फ्रेंड्स, जैसा कि अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में हम पूड़े और खीर ज़रूर खाते हैं और इस महीने में हम सोमवार का व्रत रखते हैं, तो व्रत में हम मिठाई खाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चीले और खीर की रेसिपी। और जो खीर की रेसिपी है मैं ऑलरेडी अपने चैनल में शेयर कर चुकी हूँ, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। तो अगर आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निधि ठाकुर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सावन स्पेशल रेसिपी। जैसा कि अभी सावन का महीना शुरू हो चुका है तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पूड़े की रेसिपी, और इसे मीठा चीला भी बोलते हैं। हिमाचल में हमारी लोकल लैंग्वेज में इसे चुरुंडे भी बोलते हैं। तो जो पूड़े की रेसिपी है इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम बनाएंगे मीठा चीला और जिसे हम पूड़े भी बोलते हैं, तो इनको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा, जिसको मैंने छान लिया है। एक कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है और ये आधी कटोरी मैंने शक्कर ली है। अगर आप चाहें तो पिसी हुई चीनी पाउडर भी ले सकते हैं, और ये देसी घी, और ये थोड़ा सा हमने इलायची पाउडर लिया है, और पानी। अब हम मीठा चीला बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एक बैटर रेडी करेंगे। बैटर बनाने के लिए हम सबसे पहले आटा जो है उसको एक डोंगे में डाल लेंगे। अब हमारे पास जो शक्कर है इसको हम इसमें ऐड करेंगे, इलायची पाउडर। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे। इसका हमने घोल तैयार करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी लम्प्स ना बने। फ्रेंड्स, हमारा जो बैटर है वो बनके तैयार है, देखिए इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो फ्रेंड्स, इसको ढके हुए 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब हमारा जो ये बैटर है चीला बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, हमने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है, तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको सबसे पहले घी से जो वो ग्रीस कर देंगे और इस पर हम जो बैटर बनाया हुआ है वो इसको फैलाएंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि जो आंच है वो ज़्यादा तेज ना हो। अब हम इसको पलट देंगे। इसी तरह से हम इसको दूसरी साइड से भी पकाएंगे। हमारा जो चीला है वो दोनों साइड से अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सेम प्रोसेस जो वो रिपीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे सारे चीले जो वो पक चुके हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे जो पूड़े हैं वो बन के तैयार हैं। ये देखिए कि कितने सॉफ्ट बने हुए हैं। फ्रेंड्स, जो आटे के पूड़े होते हैं इनको हम अचार, दही और खीर के साथ खाते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।